टीवी के प्रोग्राम हम किसी से कम नहीं में आप सबको खुशामदीद और मैं हूं फैसल परवेज। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप में अगर कोई भी टैलेंट है किसी किस्म का भी, चाहे आप बहुत अच्छा गाते हैं, चाहे आप बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाते हैं, चाहे आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, चाहे आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो भी टैलेंट आप में है, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं आपको मिलवाता हूँ एक बाप और बेटी से जिनका ताल्लुक म्यूज़िक से है, और यकीन जानिए ये किसी से कम नहीं। कैसे हैं सैमुअल साहब आप? और फाखरा आप? तो बताइए क्या चल रहा है आजकल? आजकल खिदमत के हवाले से ही है कि चर्च की खिदमत कर रहा हूँ एज ए क्वायर डायरेक्टर। इस वक्त मैं छलुम चर्च में हूँ। बिल्कुल। और साथ साथ पोएट्री भी हो रही है, कंपोजिशन भी हो रही है। अच्छा। गीत भी बन रहे हैं। बिल्कुल। तो फिरौन का शुक्र है कि फिरौन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सर, ये ऐसा हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो टैलेंटेड लोग हैं उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे कैथलिक टीवी के प्लेटफॉर्म से। तो मुझे बताइए, मुझे थोड़ी देर पहले पता चला था आपके बारे में कि आप में एक और टैलेंट है स्पोर्ट्स के हवाले से। क्या स्पोर्ट्स किया करते थे या क्या करते हैं अभी तक? स्कूल टाइम से क्रिकेट शुरू की थी। अच्छा, क्रिकेट? हाँ जी, क्रिकेट खेलते थे। उसके बाद अपना क्लब बनाया, क्लब लेवल तक क्रिकेट खेली है। अच्छा, क्या था उसमें, बैटिंग बॉलिंग? उसमें मैं टीम एज ए टीम कैप्टन भी था। अच्छा। और मैं ओपन बैट्समैन भी था। सही। और उसके अलावा मतलब टीम का जो सारा मैनेजर, यानी ऑलराउंडर थे आप, इन अदर वर्ड्स? हाँ जी, बॉलिंग भी करता था, बैटिंग भी करता था। बिल्कुल। तो मगर एक बात मैं अगर ना बताऊँगा तो ये ज्यादती है, मैं आज जो कुछ भी हूँ सेंट मेरी चर्च गुलबर्ग की वजह से। अच्छा। क्योंकि जो मेरी सारी ग्रूमिंग थी, केजी अप टू मैट्रिक सेंट मेरी स्कूल से मैंने तालीम हासिल की, और हम वहाँ पे फिर उसके बाद मैट्रिक के बाद हमने वहाँ पे म्यूज़िक स्टार्ट किया। सही। जो पुराने कैथलिक्स हैं सही, उनको पता है कि चर्च में म्यूज़िक अलाउ नहीं था। अच्छा। सेंट मेरी चर्च गुलबर्ग में म्यूज़िक नहीं होता था, एक स्पेसिफिक बुक थी उसमें से हम गीत गाया करते थे। तो फिर जब हमने क्वायर शुरू की तो हमने फादर जी से कहा कि हारमोनियम मंगवाया। अच्छा। तबला मंगवाया जी। फिर उसके बाद ये कि हमारे पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट, जैसे जैसे हमारी क्वायर बढ़ती गई बहुत से इंस्ट्रूमेंट आते गए। बिल्कुल जी, मैं एक चीज़ में भी मेंशन करूंगा यहाँ पे, बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग हैं वो सेंट मेरीज गुलबर्ग से निकले हैं, यानी एक आपके सामने भी बैठा हुआ है, हम भी उसी प्लेटफॉर्म से निकले हैं जी। तो फाखरा, आप बताइए हमें, आप में इस म्यूज़िक के अलावा भी कोई टैलेंट है? म्यूज़िक के अलावा वैसे तो अबू के साथ हम लोग म्यूज़िक में ही हैं सारे बहन भाई, तो यही मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा टैलेंट है। और हम लोगों ने जो म्यूज़िक किया भी है तो वो खुदा के लिए। अच्छा। मतलब प्रस्तेश गॉस्पल सिंगिंग में, ठीक है। इसके अलावा एक टैलेंट मैं ये समझती हूँ कि मैं बचपन से लेकर तकरीबन 8 ईयर्स तक ना, मैं चर्च के कंपटीशन होता था हमारा, और बाहर से जजेस आते थे, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के काफ़ी अच्छे जाने हुए नाम आते थे, वो जज करते थे प्रोग्राम को, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती रही जब से मैं छोटी थी, और 8 ईयर्स तक मैं करती रही तो उसमें मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। अरे वाह वाह। ये आई फील वेरी प्राउड कि मैंने 8 ईयर्स तक इसको मैंने विन किया। अच्छा। इसके बाद अभी भी बस ये कि म्यूजिक का ये कि डैडी के साथ कंपटीशन नहीं ना कर रही? नहीं, हम बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस जी, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत कम है ये, वैसे तो सोलो बहुत सारे लोग, बहुत बेशुमार टैलेंटेड लोग हैं जो सोलो ऑडियो वीडियोस कर रहे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है समटाइम्स कोई बहन भाइयों की जोड़ी, कोई जैसे वालिद है आपके साथ, तो बड़ा सपोर्ट करते होंगे आपको, ये क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत सपोर्ट करते हैं जी, इनफैक्ट इन्हीं की वजह से कॉन्फिडेंस आता है गाने का, अदरवाइज डैडी नहीं सपोर्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका मोस्ट फेवरेट गीत कौन सा है? वैसे तो बहुत ज़्यादा गीत हैं, लेकिन एक डैडी ने कंपोज किया हुआ है राग माल को, उसमें अच्छा गीत लबा देस दयाल, मुझे बहुत पसंद है, वो मेरा मोस्ट फेवरेट है। आज क्या सुना रहे हैं आप सैमुअल साहब? आज एक गीत आई है जो मैंने कंपोज किया था, ये राग माल को, इसमें बेटी को गलतफहमी होगी, वो दूसरा है। अच्छा। तो ये है पंजाबी गीत है, हमीद देस साहब का लिखा हुआ है। सही। तो ये इसका म्यूज़िक वगैरह वो सुहेल बास ने बनाया हुआ है।
तो चलिए हम उसको सुनते हैं जी, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर भी करते हैं। सागे प्यार दे बदले जेड़ा सागे प्यार दे बदले होया सी प्यार दा जिक्र करो ते
मेरा साढ़े प्यार दे बदले, मेरा साढ़े प्यार दे बदले, ओ यासी कुर्बान दे लवाते वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा गीत है ये। बल्कि मुझे याद होना शुरू जब हुआ है तो गीत ख़त्म हो गया था। मुझे बताइए कि आपको कभी कोई कंपोजिंग का भी कोई शौक है या नहीं, लिखने का कोई लगाव है लिखने से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना? ना, बहुत बिजी लाइफ है। अच्छा, तो ये सब बस अबू के साथ जितना मुझे टाइम मिलता है ना मैं दे पाती हूँ। आपका बेटा या बेटी जो कंपोज? हाँ जी, मेरा म्यूजिक जो बच्चे तीन मेरे म्यूजिक से रिलेटेड है। अच्छा, बल्कि चौथा जो है वो भी म्यूजिक से ही है, सनी जो है। जी जी जी, बिल्कुल। बड़ा बेटा मेरा जो है वो खुदावंद का शुक्र है कि इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका टेलीविजन में अच्छा प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, शहजाद खोकर नाम है उसका। पाकिस्तान में वो ARY डिजिटल पे था, उस पर ATV पे, यानी डिफरेंट चैनल्स पे वो। अच्छा, ठीक है। म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर वहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका में काम कर रहे हैं, वो वॉइस ऑफ अमेरिका पे एज ए प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये टैलेंट भी वो मुझे देख देख के, एक्चुअली मेरा पॉइंट यही था कि आपको इनसे कोई और भी कोई टैलेंट मिला है या नहीं, लेकिन खुदा की बरकत होती है, ये हर बंदे को हर टैलेंट नहीं मिलता, ठीक है। तो ये बड़े ख़ास लोग होते हैं जिनको ये टैलेंट मिलता है। किसी को देखिए, जैसे स्पोर्ट्स का था इनको, ठीक है, क्रिकेट में, आपको म्यूज़िक का मिल गया, ठीक है, गाती हैं आप। गाना भी ये कोई मैं नहीं समझता कि बहुत आसान टैलेंट है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आजकल आसान हुआ है तो गा रहे हैं लोग, बड़ा अच्छा गा रहे हैं, वो भी टैलेंटेड हैं, डिफरेंट किस्म के टैलेंट होते हैं। अच्छा, एक मुश्किल सवाल आपसे पूछूंगा खोखर साहब, मुझे ये बताइए कि फाखरा ज़्यादा अच्छा गाती हैं आपके साथ या सुंबल? नहीं देखें जी, मेरे लिए तो औलाद है, दोनों बराबर हैं। तो बरकाफ ज़ाहिर आप ये शादीशुदा बाल बच्चेदार है, वो उसने मेरे साथ काफ़ी टाइम गुजारा। अच्छा, बचपन टिल टू उसकी, जब तक शादी नहीं हुई। जी जी, जब उसकी शादी हो गई, अब तक क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं है, जब वो पाकिस्तान में थी अच्छे लेवल पर उसने गाया। बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स उसने जीते हैं, फर्स्ट प्राइज लिया है। जैसे वो अनवर अनसमल का प्रोग्राम होता है, एक साल में काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है, तो उसमें भी वो फर्स्ट आई थी। अच्छा, तो उसको सुभाष गिल के साथ, ये आप खुद इनको लेके जाते हैं कंपटीशन में? खुद या? अच्छा, ये शौक है आपका? जी, मेरा शौक। और जब कभी हार जाते हैं तो फिर आप उसको क्या ब्रेवली उसका सामना करते हैं या इनको डांट दपड़ होती है? नहीं, खुदा का शुक्र है कि पोजीशन में मतलब फर्क आता है। अच्छा, कभी फर्स्ट कभी सेकंड। सही है, तो ये खुदा का शुक्र है। दे आर ऑल पोजीशन होल्डर्स। कभी स्टडीज में भी पोजीशन आई या बस इजी में? नहीं नहीं, स्टडीज में भी पोजीशंस के साथ ही आते हैं। नाउ आई एम अ टीचर। वो अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ? सेंट पीटर्स वारिस रोड। वो अच्छा, सही है, बिल्कुल। टीचिंग। आप मुझे बताइए इसके अलावा क्या आपकी हॉबीज हैं या क्या? आजकल तो जी मैं, पहले तो मैं होटलिंग करता था। बिल्कुल, हमारी होटल में था मैं, वहाँ पर इंजीनियर था मैं, तो वहाँ से मैं रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा, रिटायर्ड हो गया, सही। जी, आजकल ये है कि बेटा मेरा बिजनेस कर रहा है तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल सही है। वो इवेंट मैनेजमेंट का कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो मैं उसको मतलब उसकी हेल्प करता हूँ, उसके कह लें अपना। तो मुझे बताइए, बच्चे बाकायदगी से चर्च जाते हैं या? जी, ये खुदावंद का शुक्र है। और आप खुद? मैं जी, मैंने आपको बताया कि हमारी तरबियत ऐसी हुई थी सेंट मेरीज गुलबर्ग स्कूल से जी, कि हमें मतलब वहाँ पे हमारी अटेंडेंस मार्क होती थी संडे को। अच्छा, हमने वो ऐसी आदत पड़ी हुई थी कि जी हमने संडे को चर्च भी जाना है, अगर 14 मुकाम है वहाँ भी जाना है, अगर वो मतलब जमेरात की इबादत है वहाँ भी जाना है, कोई ऐसी सर्विस जो थी हम मिस नहीं करते थे। बिल्कुल ऐसे, वो आपकी बातों से नज़र आ रहा है कि बाकायदगी से चर्च अटेंड करते हैं बच्चे भी और आप भी। मुझे बताइए नेक्स्ट कौन सा गीत शेयर कर रहे हैं हमारे नाज़रीन के साथ?
गीत से पहले मैं, मेरी बात थोड़ी सी अधूरी रह गई जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि वही आदत जो थी वो अभी तक चल रही है कि मैं, चाहे मैं बीमार हूँ, बुखार हो, मुझे गला ख़राब हो, मैं फिर भी चर्च मिस नहीं करता। को डेथ हो जाए मैं फिर चर्च मिस नहीं करता, शादी हो जाए मैं कहता हूँ शादी बाद में, पहले चर्च क्योंकि एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने मतलब क्वायर को लीड करना होता है। बिल्कुल सही है। जिसकी वजह से मतलब मैं ये मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको मैं कि मैं जो डेथ वगैरह या शादी के प्रोग्राम है बाद में देखता हूँ, पहले चर्च। बड़ी अच्छी बात है जी। तो अभी मैं चाहूँगा कि हमारा जो गीत आप मुझे सुना रहे थे हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर किया जाए। जी जी ज़रूर। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। तू न जात दा बानी है यीशु, तू न जात दा बानी है यीशु, तेरे गुण मैं गावा। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। बदलां दी सवारी करके यीशु तू एक दिन आवेगा, बदलां दी सवारी करके यीशु तू एक दिन आवेगा। उन खरीदे अपने अनु तू नाल लेके जावेगा। मैनू तेरिया लगिया उड़ीकां, मैनू तेरिया लगिया उड़ीकां। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। के जावे सदरक ते थो जान लो तू प्यारा है। सदके जावे सदरक ते थो जान लो तू प्यारा है। एक सादा आसरा तू है, दुखियां दा तू सहारा है। जेड़ा दर तेरे दुखी आवे, जेड़ा दर तेरे दुखी आवे, सुन लेंदा तू हवा। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। फसल दे दे मैनू यीशु, तेरा करा परचार मैं। फसल दे दे मैनू यीशु, तेरा करा परचार मैं। आमद आ गई नेड़े तेरी, ओ जमा गई आ
जाग दरावा गफलत वेचो जाग दरावा गफलत वेचो सुते आनो नजर दावा यीशु जी तेरी बंद में गावा मैं तेरा शुक्र मनावा यीशु जी तेरी बंद में गावा मैं तेरा शुक्र मनावा यीशु जी तेरी बंद में गावा मैं तेरा शुक्र मनावा तू न जात दा बानी है यीशु तू न जात दा बानी है यीशु तेरे गुण में गावा यीशु जी तेरी बंद में गावा मैं तेरा शुक्र मनावा यीशु जी तेरी बंद में गावा मैं तेरा शुक्र मनावा वेरी नाइस जी वेरी नाइस फुल एनर्जेटिक ये सॉन्ग बनाया आपने आपने खुद कंपोज किया इसको या जी ये मैंने खुद कंपोज किया मुझे पता चल गया था जब आप गा रहे थे ना इसको जी 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 एक अच्छा जो सिंगर है और एक अच्छा होस्ट है वो जज कर लेता है कि कौन सी चीज किसने कंपोज की है आप में भी बड़ी म्यूजिक सेंस है बिल्कुल अच्छा सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे जो कि हमेशा से मुझे मतलब यहाँ अटकी रहती है आप हमेशा इकट्ठा शुरू करते हैं जैसे समटाइम्स होता है बेशुमार जो डुएट्स करते हैं उनमें होता है फर्स्ट टाइम मेल सेकंड टाइम फीमेल लेकिन आप हमेशा इकट्ठा शुरू करते हैं इसकी कोई ख़ास वजह है नहीं कोई ख़ास वजह तो नहीं है क्योंकि मैं इनको जो मेरे साथ बच्चे गाते हैं मैं इनको अपने बराबर का सिंगर समझता हूँ अच्छा अच्छा ये अच्छा, मेरे बराबर के हैं सिंगर वेरी नाइस क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा सिंगर हूँ ये कम है ये मेरे से अच्छा गाते हैं इसलिए इनकी सपोर्ट लेके इनको साथ गाता हूँ ये बहुत बड़ी बात की है आपके डैडी ने आप क्या कहेंगे इस बारे में ये तो इनका बड़प्पन है इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे क्योंकि ये लीड करते हैं हमें लेकिन फिर भी हमें साथ लेकर रहते हैं बिल्कुल तो इससे बड़ी और क्या बात है सर ऐसा ही है सर मुझे ये बताइए कि आप तो हमेशा एक ही बात मतलब ज़्यादा इस पर जोर देते होंगे मैं किस किस बात का शुक्र अदा करूँ खुदा की किस बरकत का शुक्र अदा करूँ एम आई राइट यस ऑफ कोर्स यू आर राइट क्योंकि जी खुदा ने बेशुमार बरकतों से नवाजा मुझे मेरी छोटी बेटी जो मैं अभी जिसका जिक्र कर रहा था उसका हाँ सुम्बल खोकर वो कनाडा में है उसने भी मास्टर्स किया था वो भी टीचर थी जी। बड़ा बेटा जैसे मैंने आपको बताया ये बेटी इसने ग्रेजुएशन की है सनी ने किया ग्रेजुएशन सनी भी म्यूज़िक से रिलेटेड है वो बहुत अच्छा साउंड इंजीनियर है जी बिल्कुल जानता हूं लाइव बहुत अच्छा जी लाइव बहुत अच्छा काम करता है और बड़े अच्छे स्टार्स के साथ मैंने इसको काम करवाया अभी वो मेरे ख्याल पाँचवीं छठी में पढ़ता था जब मैंने हेमलता पाकिस्तान आई थी तो उनका प्रोग्राम किया था अच्छा तो उसमें मैंने उससे वो करवाया था मिक्सिंग वगैरह सारा कुछ वो मुझे कहने लगी कि ये कर लेगा बच्चा मैंने कहा जी करेगा आपको मज़ा नहीं आएगा तो पता है बिल्कुल तो खुदा का शुक्र है कि मतलब जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं या हमारे पाकिस्तान के हैं सनी ने सबके साथ काम किया अच्छा और सबके साथ सबको गवाया वेरी नाइस हाँ जी ये उसकी बड़ी मतलब कि उसने बड़ी जल्दी पिक किया था ये भी चीज़ उसको मतलब मेरी वजह से मिली थी क्योंकि मैं पहले करता था सेकुलर भी करता था रिलीजियस भी करता था और साथ में ये साउंड के हवाले से भी करता था बिल्कुल सही जी तो ये खुदा ने बहुत बेशुमार बरकतें दी हैं जितना भी शुक्र अदा करें कम है बिल्कुल जी इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है जी मुझे ये बताइए आप कि आज के दौर में जैसे म्यूज़िक बन रहा है पुराने दौर में जो म्यूज़िक बनता था क्या फ़र्क है क्योंकि आपने तो दोनों जो हमारे मतलब अदवार हैं वो देखे हैं जो हमारा दौर था जी उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी वो टफ था जी टफ था बहुत टफ था क्योंकि हमारे जो असातिज़ा कराम थे वो कहते थे कि पहले सीख के जाए जी अगर आपने गाना है जो कि बहुत ज़रूरी जो कि बहुत ज़रूरी है रियाजत ज़रूरी है कि आप सीखें मैंने बाकायदा सीखा था गाना मैंने बाकायदा सीखा है
पहले मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, बिल्कुल, उसके बाद मैंने बकायदा तालीम हासिल की थी, सही, अपने उस्ताद से रागों के बारे में सीखा था कि ये जी राग माल कौन सा है, इसको कैसे जज करना आपने, ये राग भैरवी है आपको कैसे पता चलेगा, उसके सारे मतलब ये सारी तालीम मैंने हासिल की थी, बिल्कुल, और वही तालीम आगे मैं अपने बच्चों को या शागिर्दों को कहता हूँ कि आप इसको सीख के जाएं, क्योंकि अगर आप देखें, मैंने आज देखा कि आजकल के नौजवान बच्चे, मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा कि मतलब वो दो लाइनें इधर से पकड़ी, दो लाइनें इधर से पकड़ी, मैंने कंपोज किया जी, कहते हैं मैंने कंपोज किया, बिल्कुल ऐसे ही, मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, रमजान को और बरकत दे, मगर जो काम आप क्लासिकल करेंगे, राग में करेंगे, वो लाइफ टाइम होगा, ऐसा ही, और उसको लोग मतलब सुनेंगे और उनको अच्छा लगेगा, टच करेगा सोल को आपकी, बिल्कुल, तो मैं यही कहूँगा आने वाले नौजवानों से, बच्चों से, कि वो इसको बाकायदा सीखें, इसको मेहनत से सीखें, ये नहीं कि कंप्यूटर से हेल्प लें। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है, जो टैलेंटेड लोग हैं जी, अपना टैलेंट वेस्ट ना करें, बल्कि कैथलिक टीवी से कांटेक्ट करें, हम आपका टैलेंट नाज़रीन के सामने लाएंगे, जिनको बहुत सारा टैलेंट आप देखें वेस्ट हो रहा है हमारा जी, क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत सारा ऐसा टैलेंट है। आई एग्री विद यू फैसल के बहुत सारे क्रिश्चियन बच्चे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड है जी, जो के सामने नहीं आते, ऐसा ही है, सामने नहीं आते, मेहनत नहीं करते, बिल्कुल, शायद हम लोग भी वेस्ट हो जाते अगर हमें बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, बड़ी अच्छी उनकी गाइडेंस में हमने काम किया है, कि उन्होंने हमें संभाल लिया, हमारे इस टैलेंट को, मुझे नाज़िश को और बेशुमार जितने भी जो राइजिंग स्टार्स थे उनको संभाला, सारी दुनिया जानती है मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ, हाँ, नाम लेने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, फादर मॉरिस के बारे में, जी, जलाल, बहुत अच्छी तरह जनाब उनको जानता हूँ, हम भी उनके लगाए हुए पौधे हैं, कि खुदा उनका शुक्र है पूरी दुनिया में, मतलब खुदा का शुक्र है लोग जानते हैं, बहुत क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, मैं यही कह रहा हूँ कि नौजवान नस्ल के लिए बहुत मेहनत की उन्होंने, और इस चैनल को चलाने में ऐसा ही उनका बहुत बड़ा हाथ था, हाँ जी, उन्होंने बड़ी मेहनत से इसको शुरू किया, मुझे वो याद है कि वो खुद कैमरा उठा के अकेले जाते थे, बिल्कुल ऐसा ही है, हालांकि मैं यही कह रहा हूँ कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जो टैलेंट खुदा ने दिया है वो उसको उस तरह से यूटिलाइज करते हैं, लेकिन एक इंसान को इतना टैलेंटेड बना देना ये खुदा की बहुत बड़ी बरकत है। सर आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है कैथलिक टीवी टैलेंट शो में आके? बहुत अच्छा लगता है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कैथलिक टीवी का कि ये मुझे गाय वगैरह बुलाते रहते हैं, मैं बड़ा खुशी से आता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है फादर जी, फादर मोरस जलाल है, मैं उनको बड़ा प्यार करता हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ दिल के था ग्राहियों से, बिल्कुल, कि वो पुरानी वो बातें वो याद रखते हैं। और आपको पता है इस प्रोग्राम को हमने सिर्फ म्यूज़िक से नहीं रखा कि हमने सिर्फ म्यूज़िक ही करना है इसमें, मैंने नाज़रीन से लास्ट टाइम भी कहा था जो आप में टैलेंट है वो हमारे चैनल से कॉन्टेक्ट करें और हम नाज़रीन के सामने उनका टैलेंट प्रमोट करेंगे, उनको आगे लाएंगे, हमारी जहाँ तक कोशिश है। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लोगों नौजवान बच्चों को चाहिए कि वो सामने आए, बिल्कुल ऐसा ही है, और जो खुदा ने उनको टैलेंट दिया हुआ है वो उसको पेश करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए कोई म्यूज़िक बहुत अच्छा बजाता है जी, ठीक है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छी करता होगा, ऑफ़ कोर्स, ठीक है, और मतलब डिफरेंट जो टैलेंट लोगों में है वो हमें दिखाना चाहिए लोगों को, हमने अपनी कम्युनिटी को आगे लाना चाहिए। आप मुझे बताइए गाने के अलावा, क्रिकेट के अलावा, म्यूज़िक में कुछ है आपको, इंस्ट्रूमेंट कोई प्ले कर सकते हैं? मैं जी म्यूज़िक में हारमोनियम प्ले करता हूँ। अच्छा, और तबला प्ले कर सकता हूँ, और बाकायदा उसके जो मतलब ट्रेनिंग ली है, हाँ जी, ठेके अच्छा। से के सारे मुझे मतलब सही है, क्योंकि आपको पता जो कंपोज़र होता है अच्छा कंपोज़र, उसके लिए ये रिदम और सुर लय, बिल्कुल, इनको मतलब समझना वो बड़ा ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं समझ सकता। मैं आपको एक वाक्य मुझे याद आ गया, ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे गया अपनी क्वायर को लेके, तो वहाँ पे एक मेरा गीत था, मैंने उसको राग भोपाली में किया हुआ था और आड़ा ठेका था थोड़ा सा, तो वहाँ पे टीवी पे तो आपको पता लाइव गाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं चलती, तो मैं वहाँ पे जब गा रहा था तीन चार टेके हुई क्वायर की, सामने ठीक आ रहा था, मैंने उसको कहा कि ये आप सम सही नहीं आ रहा, कह रहे जी
फिर सही करके दस दियो। अच्छा। मैं कहा जी मैं अभी कर देता हूँ सही, आप एक मिनट में करके देता हूँ। मैं उसका मैं कहते पीछे हो जा, फिर मैंने उसको बुझा के बताया और उसने माना, उसने कहा जी ठीक है आप सही कह रहे हैं हम गलत थे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको ये रिदम से भी वाकफियत है, अगर आपको सुर लय का भी पता है, हारमोनियम भी बजा सकते हैं, फिर आप अच्छे सिंगर बन सकते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप मतलब इसको सुर को समझते हैं तो फिर आप अच्छे सिंगर बन सकते हैं, अच्छे कंपोजर बन सकते हैं। बेशक। मुझे बताइए नेक्स्ट हम कौन सा सॉन्ग सुन रहे हैं आपसे? नेक्स्ट सॉन्ग मेरा है एक भैरव राग, भैरों में है। अच्छा। ये बड़ा दुखी राग है भैरों, उसमें एक मैंने गीत कंपोज किया था, मुझे पाक साफ कर दे मेरी बख्श दे खता, यीशु मसीह के खून से जो सलीब पर बहा। वाह 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 वाह, चलिए सुनते हैं जी। मुझे पाक साफ कर दे, मुझे पाक साफ कर दे, मेरी बख्श दे खता, यीशु मसीह के खून से, यीशु मसीह के खून से जो सलीब पर बहा, मुझे पाक साफ कर दे। जो दूरियां थी इंसानों और खुदा के दर में आ, वो जो दूरियां थी इंसानों और खुदा के दर में आ, उसकी सलीब मौत से, उसकी सलीब मौत से हुआ खत्म था खला, मुझे पाक साफ कर दे। जिसे दबे हुओ थक मानो सब सुनो, ऐ बोझ से दबे हुओ थक मानो सब सुनो, उसके लहू से आज भी, उसके लहू से आज भी पाते सभी शिफा, मुझे पाक साफ कर दे। सलीब का पैगाम है माफी और सुला,
सलीब का पैगाम है माफी और सुलह, उसका लहू है बन गया, उसका लहू है बन गया, अब दी मेरी बका, मुझे पाक साफ कर दे, मुझे पाक साफ कर दे, मेरी बख्श दे खता, यीशु मसीह के खून से, यीशु मसीह के खून से, जो सलीब पर बहा, मुझे पाक साफ कर दे। वेरी नाइस जी, जहाँ जैसे पहला इससे गीत सुना था बहुत एनर्जेटिक था, लेकिन हर जो म्यूजिक है उसकी अपनी एक वर्थ होती है, अपनी वैल्यू होती है जी, अपने उसके लिसनर्स होते हैं जो उसको सुनते हैं, सही है। मुझे ये बताइए आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करते हैं अभी घर, तक घर अभी में तक, घर पे ज़ाहिर है मेरी बीवी है। अच्छा, जो कि मुझे सपोर्ट करती हैं हमेशा हमेशा से, बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है म्यूज़िक में बहुत टाइम लगता है, जब गीत बनाते हैं तो बड़ा टाइम लगता है, तो फिर वो मेरी वजह से फिर वो सफ़र करती हैं, सही, क्योंकि आजकल वो भी रिटायर हैं। अच्छा, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में थी वो। अच्छा जी, 16 ग्रेड में ऑफिसर थी, तो खुदा ने उसको भी बड़ा टैलेंट दिया हुआ था, बिल्कुल, वो बड़े अच्छी मतलब वो अपने फील्ड में बड़ा नाम उसने कमाया, तो सही, वो मुझे बड़ा सर आप मुझे बताइए कि हमारे नौजवानों के लिए कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे जी। मेरा मैसेज है आज के नौजवानों के लिए कि खुदा को सबसे पहले ज़्यादा तरजीह दें। अगर आप चर्च जाएंगे बिला नागा, मेरा मतलब कहने का ये कि इतवार को आप ज़रूर चर्च जाएं, ये नहीं कि सोते रहें कि आज मैं 2 घंटे ज़्यादा सो जाऊँ, हाँ। ये मतलब आज के नौजवानों में थोड़ा सा मसला है, बिल्कुल है। तो जितना आप खुदा को साथ कमिटमेंट करेंगे, जितना खुदा को टाइम देंगे, मेरी गवाही है जी कि मैंने जब 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 खुदा की खिदमत की है, खुदा ने मुझे बरकतों पे बरकतें अता की हैं। तो मेरा नौजवान नस्ल से यही रिक्वेस्ट है कि वो खुदा को ज़रूर तरजीह दें। नंबर 2 म्यूज़िक है, आप में अगर कोई टैलेंट है तो ज़रूर क्वायर में हिस्सा लें, अगर आप अच्छा गा सकते हैं, अच्छा बजा सकते हैं, तो आप खुदा की खिदमत में ज़रूर जाएँ। अगर आपकी अगर खुदा की खिदमत आप करेंगे तो खुदावंद आपको बरकतें देगा, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा ईमान है कि जो खुदा के साथ वफादार होते हैं खुदा उनकी रोटी पानी पर बरकत डालता है, उनके घर में घर से बीमारियों को भी दूर रखता है और उनको बरकतों पर बरकतें देता है जी। फाखरा आपसे जानेंगे, जैसे कि आप खुद भी यंग हैं, यंगस्टर्स के बारे में कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहेंगी हमारी यूथ से? ज़रूर, मैंने जो आजकल देखी है यंगस्टर्स में जो बात देखी है कि वो अपने आप को बहुत जल्दी ना बहुत सब कुछ समझने लगते हैं, तो इसमें क्या आता है कि उनके माइंड में सबसे पहले जो है ना रिस्पेक्ट होनी चाहिए बड़ों के लिए। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे किसी बड़े को तो आप खुद को उससे बड़ा ही समझोगे, तो अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे, आप हम्बल जाने जाओगे, काइंड, उससे नीचे अपने आप को रखोगे तो खुदा आपको खुद ब्लेस करेगा, बिल्कुल। तो इसलिए हमेशा सबको इज्जत की नज़र से देखें, आज आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आप रिस्पेक्टेड लाओगे कल। थैंक यू सो मच सेवल साहब आपका, थैंक यू सो मच फाखरा कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे कैथलिक टीवी की टीम, कैथलिक टीवी और स्पेशली मैं आप सब आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि हमेशा आपको बुलाते हैं और आप आ जाते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, मैं भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कैथलिक टीम की, पूरी टीम का, बिलखसूस आपका, फादर जी का, जैस्पर साहब का, कि जब भी हमें बुलाते हैं हम बड़े शौक से आते हैं, बिल्कुल, और क्योंकि ये हमारा अपना घर है, घर है, यहाँ से हमने सीखा, यहीं हम जवान हुए हैं, इनकी भी दौलत हम आज जो कुछ भी हैं
बिल्कुल कैथलिक की वजह से। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप में भी कोई टैलेंट है, ज़रूरी नहीं कि वो गाने का हो, म्यूज़िक का हो, कोई और भी टैलेंट हो सकता है, आप अच्छा बजा सकते हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, आप कोई गेम कर सकते हैं, या कोई और टैलेंट है, आर्टिस्ट है, कोई भी आर्ट है आप में या कोई भी टैलेंट है, तो आप ज़रूर हमारे कैथलिक टीवी से राबता कीजिए। आपकी स्क्रीन पे हमारे नंबर्स चल रहे होंगे, इंटरनेट पे भी आप हमसे राबता कर सकते हैं और अपने टैलेंट को नाज़रीन के सामने ज़ाहिर कीजिए। जी नाज़रीन, आपको भी खुदा ने बहुत सारे टैलेंट और बरकात से नवाजा है, आप में जो टैलेंट है आप भी हमारे चैनल पर आएँ और अपने टैलेंट को दिखाएँ, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। थैंक यू सो मच, देखते रहिए कैथलिक टीवी। मुझे इजाजत दीजिए और सैमुअल साहब अब आपसे हमारा आखिरी गीत सुनेंगे।